21 अगस्त को पूरे देश में एसटीएससी और ओबीसी समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसकी जो चिंगारी है ये बालोद जिला तक पहुंच चुकी है। और देखिए बालोद में एसटीएससी ओबीसी समाज के वर्गों के द्वारा बालोद बंद का आह्वान किया गया है। यहाँ जो पूरी दुकानें हैं, पूरे बालोद शहर की दुकानें बंद हैं और जो एसटीएससी ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं वो यहाँ पर पूरे बंद करवाने के लिए निकले हुए हैं। देखिए माइक में है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी महिलाएं बच्चे जो हैं इस रैली में शामिल हुई हुई हैं। हमारे साथ कुछ नेता भी यहाँ पर शामिल हैं, एसटीएससी ओबीसी के नेता, उनसे बात करते हैं। श्री कुंजाम जी, पहले तो ये बताएंगे कि आज जो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये आप लोगों की मांगे क्या है और आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग जिला सर्व समाज के द्वारा बालोद जिला में भारत बंद का समर्थन करते हुए हमारी मुख्य मांग है एसटीएससी और ओबीसी की आरक्षण, आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, सभी जातियों में उपवर्गीकरण होगा, बढ़ जाएगा। अगर हमारा सरकार इस जाति का उपवर्गीकरण करता है तो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएंगे और अपने जातिता को लेकर के लड़ाई होंगे। इसीलिए यह संविधान, हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला हमारे जाति और समुदाय के लिए हित में नहीं है, इसलिए हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। और रही सवाल अभी क्रिमी लेयर का, ओबीसियों को भी सामाजिक के दृष्टिकोण से क्रिमी लेयर लागू किया था लेकिन उनका जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, तो उनका जनगणना, जाति जनगणना भी होना चाहिए और क्रिमी लेयर की जो बाध्यता है उनको भी हटाना चाहिए। और रही सवाल यहाँ की बहुजन, यहाँ पर 10% लोग ही शासन कर रहे हैं और यहाँ 90% के लोग जो है मजदूर की तरह है, मजदूर से भी बदतर हो गया। इसलिए 2021 की जो जनगणना है उनको त्वरित जाति जनगणना होना चाहिए और ओबीसी समुदाय का भी कालम होना चाहिए। जिस प्रकार एसटीएससी का एक कालम और जनगणना हुआ है, इसी तरह ओबीसी भाई का भी हमारा जनगणना सही और साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। यहाँ जिसकी जनगणना के लिए काका कालेकर का भी एक टीम बनाया था, उसके बाद मंडल आयोग भी बनाया लेकिन आज तक नहीं हो पाया। आज वास्तविक देखा जाए तो विषय की संख्या जो है 62% हो गया है लेकिन आज भी आरक्षण जो है उनको देश में 27% मिलता है। और एक संविधान में कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में हमारे ओबीसी भाइयों को मात्र 4-6% ही आरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए उनका जो जनगणना है वो सही आंकड़ा सही होना चाहिए और हम लोग इसलिए सरकार को मांग करते हैं। और पूरा भारत देश में आज पूरा बंद है, बालोद जिला में 7 तहसील होता है, 7 तहसील पूरा बंद है और हम लोग देख रहे हैं स्वस्फूर्त इस आंदोलन को समर्थन किया है और भारत बंद का जो संदेश है हमारे बालोद जिला में आम लोगों तक पहुँच गया। इसलिए यह आंदोलन बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है नेतृत्व करने वालों को कि हमारा। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि भाई जो क्रिमी लेयर की जो बाध्यता को आप लोग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्रिमी लेयर आएगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, शिक्षा में नौकरी में उनको नौकरी मिलेगा, ये तो गरीबों के हित में है ना। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस समय आरक्षण किस लिए दिया गया था, कि एक नीचे तबके आदमियों को इस समानता की ओर लाना है, बराबर उनको लाना है, उनका विकास करना है, लेकिन आज तक तो आरक्षण सही रूप से पालन नहीं हुआ। इसीलिए ये आरक्षण को पहले तो दिए गए वचन और संविधान में लिखे हुए शब्दों के आधार पर, अधिकार के हाथ पर आरक्षण पहले लागू होना चाहिए, उसका आकलन तो बताए। हम तो देश से यही पूछ रहे हैं, अगर हम पढ़े लिखे या जो भी आरक्षित व्यक्ति है उनसे अगर हम अभी चलो ठीक है हम अगर बाहर कर देते हैं, क्रिमी लेयर के अंदर ला देते हैं, तो नीचे तबके का जितना पद है वो खाली जाएगा, NFS में चला जाएगा, नॉट सुटेबल व्यक्ति में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप आरक्षण को पूर्ण रूप से पहले लागू कीजिए, उसके बाद आप क्रिमी लेयर करिए, उसके बाद हम लोग स्वीकार करेंगे। हम लोग विरोध करें इसका मतलब नहीं है, कि जितना हमारा जो 85% बहुजन है आज तक आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, इसके कारण ही तो विषमता दिख रहा है। और क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग? हमारा जो जनगणना है, जाति जनगणना, वो प्रमुख मांग है। क्रिमी लेयर अभी नहीं होना चाहिए, जब तक आरक्षण संविधान के आधार पर जो 10 साल के लिए आरक्षण मिला था ना, उसका आंकड़ा बताइए ना देश का सरकार, और गणना सही होना चाहिए, जाति जनगणना सही होना चाहिए। जाति जनगणना के भी मांग है, वो भी प्रमुख रूप से आप लोगों ने लिया है। मांग है जाति जनगणना, इस देश में जाति जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक उनको मद नहीं मिलेगा, इसीलिए तो सबको मतलब राशि नहीं मिल पा रहा है।
अगर व्यक्तियों के विकास करना है तो उनको पूरा राशि मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये संविधान में लिखा हुआ है, उनके हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिला, इसीलिए तो आंदोलित हो गए पूरे भारत देश। तो ये थे आदिवासी नेता श्री प्रेमलाल कुंजाम जी, जिनसे अभी हमने बात कर रहे थे। और देखिए जो एसटीएससी ओबीसी वर्ग का जो आंदोलन है, जो उनका आक्रोश है, ये बालोद जिला में भी देखने को मिल रहा है। पूरी जो शहर की दुकानें हैं पूरी बंद है और लोग रोड पर उतरकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी क्रीमी लेयर की जो बाध्यता है इसे खत्म किया जाए और ओबीसी की जो गणना है ये कराई जाए।